तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका फेसबुक अकाउंट डिसेबल हो चुका है तो आप उसे किस प्रकार से ओपन कर सकते हो। बहुत ही इजी स्टेप्स और बहुत ही इजी वे से मैं आपको बताऊँगा जो तरीका, वो अगर आप ट्राई करोगे ना गाइस, तो आपका 100% आपका फेसबुक अकाउंट इनेबल हो जाएगा। तो कैसे होगा वही तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो प्लीज़ गाइस, वीडियो को एंड तक वॉच करना। तो चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लो। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल सुमित की टेक। चैनल पर नए तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फेसबुक से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको गूगल को ओपन कर लेना होगा। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर देना होगा एक्सेसिंग एंड डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन। आपको सिंपली इतना सर्च करना है, एक्सेसिंग एंड डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन। जैसे आप यहाँ पे सर्च करते हो, सबसे ऊपर पे एक वेबसाइट मिल जाएगी आपको, एक्सेसिंग एंड डाउनलोडिंग योर फेसबुक इंफॉर्मेशन। ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आपको यही सर्च करना है, जो जो स्टेप्स मैं बताऊंगा आपको वो फॉलो करना है। आपका 100% फेसबुक अकाउंट अगर डिसेबल है तो वो इनेबल हो जाएगा। यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ एक्सेसिंग एंड डाउनलोडिंग योर इन्फॉर्मेशन, मतलब लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। इधर पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है एक्सेसिंग एंड डाउनलोड योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन, साफ साफ लिखा है। यहाँ से आप हिंदी इंग्लिश भी आप अपना सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है विच ऑप्शन बेस्ट अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिल जाते हैं, डाटा एक्सेस, फिक्स अकाउंट एक्सेस इशू, डिटेक्टिव एंड डिलीट अकाउंट ओनरशिप। सबसे पहले कैसे आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पे जो गो अहेड का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको गो अहेड के ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पर क्या लिखा है, सेकंड पेज में आप पहुँच जाओगे। यहाँ पे क्या लिखेगा, यू हाउ कैन वी हेल्प यू विथ योर अकाउंट एक्सेस इशू। तो गाइस, यहाँ पे भी आपको फोर ऑप्शन दिखते हैं, माय अकाउंट हैज़ बीन हैक्ड, माय अकाउंट हैज़ बीन क्लोज्ड, कैन नॉट लॉग इन टू माय अकाउंट हैज़ बीन डिटेक्टिव। तो गाइस, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करके आपको गो अहेड में आपको यहाँ पे दो बार सेकंड वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद वैसे आप पढ़ भी लेना है, यहाँ पे जो पढ़ के मैंने आपको बताया आपको वही वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। देन यहाँ पे आप थर्ड वाले पेज में पहुँच जाओगे। यहाँ पे लिखा है इफ यू बिलीव डैट योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल इन एरर प्लीज सबमिट एन अपील। तो आपको यहाँ पे जो सबमिट एन अपील लिखा है आपको सिंपली सबमिट एन अपील पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे लिखो गाइस, लिखा है व्हाट शुड आई डू इफ माय अकाउंट हैज बीन डिसेबल्ड। यहाँ पे लिखा है गाइस, यहाँ पे डिसेबल वाला फॉर्म आ गया है। यहाँ पर लिखा है यूज दिस फॉर्म टू रिक्वेस्ट अ रिव्यू। आपको सिंपली इसमें क्लिक करना है, यूज दिस फॉर्म टू रिक्वेस्ट अ रिव्यू। यहाँ पर आने पर आपको गाइस कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखो गाइस, लिखा है आपको अपना एक ईमेल एड्रेस डाल देना है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको अपना एक नेम डाल देना है। यहाँ पर योर आईडी है लिखा है ना गाइस, तो योर आईडी के लिए गाइस मतलब आप अपना कुछ भी प्रूफ डाल दो गाइस, लाइक आधार कार्ड, वोटर आईडी, समग्र आईडी का इस कुछ भी होगा, इसे एक प्रूफ डाल दो। उसकी डेट ऑफ बर्थ और नाम मैच होना चाहिए आपके फेसबुक के अकाउंट से लगभग। जैसे कि गाइस आपने अपने फेसबुक अकाउंट का नाम भी सेम रखा हो, लाइक मैं एग्जांपल के तौर में बता देता हूँ, आपने अपने फेसबुक का नाम रख दिया अंकित, ठीक है गाइस, आपने फेसबुक का नाम रख दिया अंकित, पूरा नाम भी ले अंकित पटेल जैसे हो गया। और उसके बाद फिर गाइस आपने ईमेल एड्रेस तो गाइस वो भी वही डाल देना, मतलब जो जिस अकाउंट से आपने बनाया है अपना अकाउंट, ईमेल एड्रेस डाल दिया। ईमेल एड्रेस डालने के बाद गाइस आप एग्जांपल के तौर में नाम मैं बता दे रहा हूँ, आपने रखा नाम अंकित पटेल, अंकित पटेल रखने के बाद गाइस फुल नेम में आप अंकित पटेल डाल दो और योर आईडी यहाँ पे जो लिखा है गाइस यहाँ पर आप लिख दो, मतलब अंकित पटेल की आधार कार्ड की आईडी होनी चाहिए, अंकित पटेल की डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए। इतना कर सब कुछ करने के बाद यहाँ पे जो सेंड का ऑप्शन दिख रहा है सिंपली सेंड के ऑप्शन में क्लिक कर दो। आपका सक्सेसफुली अकाउंट गाइस 24 to 48 hours के अंदर ओपन हो जाएगा। सो होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी ऑल में प्रेस कर देना। और अगर आपने कोई भाग मिस कर दिया तो गाइस रिवाइंड करके देख लो गाइस, आपकी काम आएगा। और कमेंट में ज़रूर बताना अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो। तो तब तक के लिए यार, गुड बाय एंड टेक केयर।